दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राइटी व्लॉग में। आज हम चारों धाम में से एक धाम और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम यात्रा की बात करेंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार रामेश्वरम यात्रा पर जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाल ही में हम रामेश्वरम की यात्रा करके आए हैं। हम अपनी यात्रा के आधार पर ही आपको रामेश्वरम यात्रा की जानकारी देने वाले हैं कि आपको यात्रा कब करना चाहिए, यात्रा क्यों करना चाहिए, मंदिर में दर्शन का सही समय कौन सा है और 22 कुंड में स्नान कैसे करना है और स्नान क्यों करना चाहिए, 22 कुंड का पवित्र जल घर कैसे ला सकते हैं, रामेश्वरम मंदिर में कौन से प्रमुख देवता है, धनुषकोडी राम सेतु कैसे जाना है और इसका किराया कितना होगा और वहाँ तैरने वाले पत्थर कहाँ देखने को मिलेंगे, मंदिर के चारों द्वार का उपयोग किस लिए है और रामेश्वरम में कौन कौन सी मुख्य जगहों को देखने जाना चाहिए, इन सभी के बारे में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो जानकारी आपको और दूसरे वीडियो में नहीं मिलेगी, क्योंकि जब मैं यात्रा पर जाने वाला था तब मैंने भी कई सारे वीडियो देखे लेकिन सभी वीडियो में वो जानकारी नहीं मिल पाती है जो हमें वहाँ जाने पर ही मिलती है। दोस्तों यात्रा के लिए मैंने हर एक चीज़ की बारीकी से जानकारी इस वीडियो में ब्लॉग के माध्यम से बताया हूँ, जिसे देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको सही लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को ज़रूर दबा देना, जिससे मेरी अगली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। तो फिर आज कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? भूल गई। जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, रामेश्वरम जाना है। रामेश्वरम रोटी बन गई और क्या, मटर फ्राई और इधर ये सब्जी आलू और मटर की। आज हम रामेश्वरम जाने की तैयारी कर रहे हैं और खाना बना चुकी है ना पूरी घर वाली। देखते हैं जरा क्या क्या बनाए। मटर फ्राई तुम क्या खाओगे? वीडियो बनाने के लिए। हाँ वीडियो बनाना पड़ता ना मेरे को यार। नौकर। दोस्तों अगर आप बहुत दूर से रामेश्वरम जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ट्रेन का ही होगा। तो अगर रामेश्वरम के लिए आपके यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप मदुरई आ जाए, मदुरई से आपको रामेश्वरम के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। दोस्तों हमारी ट्रेन का समय जो था पंबन ब्रिज के ऊपर से गुजरने का वो करीब रात को 8:30 बजे के आसपास का था, जिससे हमने समुद्र का नज़ारा देख नहीं पाए थे। आप जब भी आए तब ऐसे समय में आए जब आपकी जो ट्रेन है वो दिन के समय में पंबन ब्रिज से गुजरती हो। हमारी तो किस्मत में नहीं था देखने का, न जाने में न आने में, दोनों तरफ से हम देख नहीं पाए थे। हमारा जो सफ़र था रात का ही था। दोस्तों हमारा जो सफ़र था ट्रेन का वो करीब 32 घंटे का था, लेकिन हमारी जो ट्रेन थी वो करीब 1.5 घंटा लेट थी, इसलिए हम करीब 33 घंटे में रामेश्वरम पहुँचे। हमको पहुँचने में करीब रात को 11 बज गया था। दोस्तों सुबह उठते ही मैं मंदिर के आसपास गया और वहां पर जाकर पूरी जानकारी लिया कि मंदिर में दर्शन कब करना चाहिए, मैं वहां पर क्या क्या सावधानियां रखना है, इसकी पूरी जानकारी लेकर मैं आ गया। दोस्तों रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी करीब 2 किलोमीटर है और हमने 800 मीटर पहले ही एक रूम ले लिया। किराया 2 दिन का 1700 रुपये था, लेकिन दोस्तों आप रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट मंदिर के पास जाकर वहाँ रूम बुक करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों इधर से चलकर अभी हम आए हैं और ये रास्ता गया है सीधे मंदिर की तरफ और एक ये रास्ता इधर आगे से भी जाता है और आगे चलकर आपको पूरी जानकारी बताते चलता हूँ। दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए आप अपने रूम में ही मोबाइल रख दें और उसके बाद स्नान करने जाएं और स्नान करने के बाद दर्शन करें।
दोस्तों मंदिर के चारों ओर चार दरवाजे हैं जिनका अलग अलग उपयोग है, जिसकी जानकारी मैं आगे आपको देते चलता हूँ। दोस्तों हम दक्षिण द्वार होते हुए पूर्वी द्वार की तरफ जाते हैं और उसके बाद अग्नि तीर्थ की तरफ जाते हैं जहां स्नान किया जाता है। दोस्तों ये दक्षिणी द्वार है। जब हम उत्तरी द्वार से अंदर प्रवेश करके 22 कुंड में स्नान करते हैं और उसके बाद इसी द्वार से हमें बाहर निकलना होता है और उसके बाद हम मंदिर में दर्शन करने के लिए पूर्वी द्वार की तरफ जाते हैं जो मुख्य द्वार है। दोस्तों मंदिर के अंदर गीले कपड़ों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, इसलिए आप 22 कुंड में स्नान करने के बाद कपड़े जरूर बदल लें। दोस्तों अभी हम मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहां पहुंच चुके हैं और यहीं से हमें दर्शन करने अंदर जाना पड़ता है और बाहर आने का रास्ता भी यहीं से है। दोस्तों यहां पर जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद 22 कुंड में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंदिर के अंदर दो शिवलिंग स्थापित हैं। पहला शिवलिंग जो सीता माता द्वारा निर्मित किया गया था वो रामेश्वरम मंदिर का मुख्य शिवलिंग है और दूसरा शिवलिंग पवन पुत्र हनुमान द्वारा लाया गया था। पहले आप माता सीता द्वारा निर्मित शिवलिंग के दर्शन करेंगे और बाद में बजरंगबली द्वारा लाए गए शिवलिंग के दर्शन करेंगे। दोस्तों अब हम आपको अग्नि तीर्थ घाट की तरफ ले चलते हैं जो समंदर के किनारे पर है और उसकी जानकारी भी बताते हैं कि वहाँ पर क्यों नहाना चाहिए। दोस्तों ये अग्नि तीर्थ है और पहला स्नान हमें यहीं पर करना है और ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद स्नान किए थे और उनके स्पर्श के कारण ही यहाँ पर समंदर की लहरें शांत हो गई हैं। अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का पिंडदान या पूजा करवाना हो तो आप यहाँ करवा सकते हैं। पूजा करवाने के लिए यहाँ का जो खर्चा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हमें यहीं पर स्नान करना है और इसके बाद 22 कुंड में स्नान करने के लिए जाना है। दोस्तों जब आप अपने रूम से निकलेंगे यहाँ नहा स्नान करने से लेकर दर्शन करने तक के लिए तो आप अपने साथ एक प्लास्टिक की थैली में एक जोड़ कपड़े लेकर आए, यहाँ अग्नि तीर्थ में स्नान करें, फिर उसके बाद 22 कुंड में स्नान करें और स्नान करने के बाद मंदिर के अंदर ही आपको कपड़े बदलने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप कपड़े बदल कर दक्षिणी द्वार से बाहर निकलने के बाद आप मुख्य द्वार पर पहुँच कर वहाँ दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अब हम चलते हैं उत्तर दिशा में बने हुए उत्तरी दरवाजे की ओर जहाँ पर 22 कुंड में स्नान करवाया जाता है। रामेश्वरम में इन सभी तीर्थों में नहाना काफ़ी शुभ माना जाता है और इन तीर्थों को भी प्राचीन समय से काफ़ी प्रसिद्ध माना गया है। वैज्ञानिक के अनुसार इन तीर्थों में अलग अलग धातुएं मिली हैं जिनसे नहाने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और एक नई ऊर्जा आ जाती है। दोस्तों जब आप 22 कुंड में स्नान कर लेंगे तब आपको वाकई में एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी का एहसास होगा, जैसे कि हमारे साथ भी हुआ था। दोस्तों यहाँ नहाने के लिए 25 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है। आप लाइन में लगकर नहाने के लिए जाएं और अंदर काउंटर बना हुआ है जहाँ 25 रुपये देने के बाद आपको पर्ची मिल जाएगी, आप इस पर्ची को संभाल कर रखें। दोस्तों एक खास जानकारी आपको बता दूं कि गेट के अंदर कुछ लोग जल्दी स्नान करवाने के लिए 250 रुपये लेते हैं, लेकिन आप इनके चक्कर में ना पड़े क्योंकि ये लोग हमें सीधा कुंड पर ले जाकर स्नान नहीं करवाते हैं और ये आगे लाइन में लगा देते हैं। दोस्तों 22 कुंड का पानी घर लाने के लिए आप एक चौड़े मुँह वाली बोतल साथ में लेकर जाएँ और साथ ही 10-20 रुपये के खुले पैसे लेकर भी जाएँ। जो स्नान करवाते हैं उन्हें पैसे देकर बोतल भरवा लें। दोस्तों 22 कुंड में नहाने में लगभग एक घंटे का समय लग जाता है। हम चलते हैं पश्चिम दरवाजे की ओर। तो यहाँ पर ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है देखने के लिए। यहाँ पर छोटा सा मार्केट लगता है, आपको कुछ सामान खरीदना तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अब हम उसी जगह पर आ गए हैं जहां मंदिर परिसर में हमने प्रवेश लिया था। दोस्तों अब बात करते हैं धनुषकोडी और राम सेतु जाने के लिए क्या करना चाहिए। रामेश्वरम से धनुषकोडी और राम सेतु की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। ऑटो वाले 700 से 800 रुपए लेंगे और 3 घंटे में आपको घुमाकर ले आएंगे।
दोस्तों ऑटो वालों से आने जाने के समय की पूरी बात जरूर कर लें। ये धनुषकोडी है जो 1964 में पूरी तरह बर्बाद हो गया था। यहाँ पर पहले रेलवे स्टेशन हुआ करता था। अभी हम राम सेतु पहुँच गए हैं। हमको 20-25 मिनट लगा है, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर था। धनुषकोडी में राम सेतु को भगवान श्री राम ने श्रीलंका में चढ़ाई करने से पहले बनवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी और विजय पाई थी। युद्ध के बाद में श्री राम ने विभीषण के कहने पर धनुषकोडी नाम की जगह पर इस सेतु को तोड़ दिए थे। आज भी इस 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। दोस्तों राम सेतु लगभग 5 दिनों में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों अगर आप यहां पर शाम के समय आते हैं तो यहां पर बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर खाने की व्यवस्था के बारे में। दोस्तों यहां पर ज़्यादातर होटलों में आपको रोटी देखने को नहीं मिलेगी, यहां आपको 100 रुपये में भरपेट भोजन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं रामेश्वरम में और कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से मंदिर है जहां हमें विजिट करने जाना चाहिए और ऑटो वाले इसका किराया कितना लेंगे। दोस्तों ऑटो वाले लगभग 400 से 500 रुपए आपको लेंगे और इन सभी जगह आपको घुमाकर वापस ले आएंगे। दोस्तों पहला स्थान है पंचमुखी हनुमान मंदिर, जहां पर आपको तैरने वाले पत्थर भी मिल जाएंगे। बता दो सब घूमना हो गया है। 8 बजे की ट्रेन है, वापस जा रही चेन्नई से फिर जाएंगे अपने घर। कितना थक गए, क्यों घर पे 3 घंटे जब पैदल चलती तब नहीं बालकनी में अपना वजन कम करने के लिए गीला करने के लिए गीले कर कपड़े से घूमे इतना चले दिन दिन भर खाओ और शाम को फिर वजन कम कर दो। तो दिन में खाना ही खाऊंगा। दोस्तों अब आपको बता दूं कि यहाँ पर अक्टूबर से लेके मार्च के महीने तक मतलब ठंडी के समय में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत होती है। दोस्तों मंदिर में दर्शन से लेकर सभी जगह घूमने के लिए एक दिन पर्याप्त है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप 2 दिन के लिए भी आ सकते हैं। एक ही दिन में दर्शन करना चाहते तो सुबह 6 बजे उठकर मंदिर चले जाएं, दर्शन करके आ जाएं, फिर उसके बाद सभी जगह आप घूम के वापस अपने घर जा सकते हैं। मेरे डूबने के चांस ज्यादा है, क्योंकि
ये मेरे को ही पकड़ेगी, पहले तो मैं ही डूबूंगा ना, क्योंकि पानी में अगर कोई डूब रहा है ऊपर तैरने वाली चीज तो पकड़ता, तो तैरने वाली चीज सबसे पहले अंदर ही जाती है ना, पानी में डूबती है बाद में वाला डूबता है।